साथियों, भविष्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है। हम इसकी जरूरतों को अभी से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ऐसे में हमें अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी? ये होगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। हमारे स्टूडेंट्स सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल साइंस को समझे, उस दिशा में सोचे, ये सब आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। और इसलिए छात्र शुरुआत से ही कोडिंग सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस और रोबोटिक्स, इससे जुड़े सारी बातों को भी उसके परिचय में उसको लाना होगा, हमें इसको देखना होगा। साथियों, हमारी पहले की जो शिक्षा नीति रही है उसने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बांध भी दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर लें तो विद्यार्थी साइंस लेता है, वो आर्ट्स या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए मान लिया गया ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये साइंस नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में, हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है कि केवल एक ही फील्ड की जानकारी से सारे काम हो जाएंगे? हकीकत में सभी विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर लर्निंग इंटर रिलेटेड है। स्टूडेंट्स कोई एक विषय ले लेते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि वो दूसरे किसी क्षेत्र में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था बदलाव का, नई संभावनाओं से जुड़ने का अवसर ही नहीं देता। बहुत से बच्चों के ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को कोई भी विषय चुनने की आजादी दी गई है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़े सुधार के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। अब हमारे यहां युवा को साइंस, ह्यूमैनिटी या कॉमर्स किसी एक ब्रैकेट में फिट होने की जरूरत नहीं है। देश के हर स्टूडेंट्स को उसकी प्रतिभाओं को अब पूरा मौका मिलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।